दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ ज्योग्राफी के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। ये जो है सेट नंबर 4 है, इससे पहले 3 सेट ऑलरेडी अपलोड है। इसमें जो भी क्वेश्चन है पूरा गेस 100% गेस किया हुआ क्वेश्चन है, मतलब ये जो है क्वेश्चन बहुत सारे मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और भी बहुत सारे गेस पेपर से एक क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। तो इससे आप अच्छे से तैयारी करिए और हो सकता है आपके एग्जाम में इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहे। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये क्वेश्चन को अच्छे से आपको कैसे भी करके याद कर लेना है। पहला क्वेश्चन से चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। क्या है क्वेश्चन? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। ऑप्शन में है यहाँ पे नर्मदा नदी, गंगा नदी, कोसी नदी, दामोदर नदी। यहाँ पे जो है हम आपको आंसर बताएंगे सभी क्वेश्चन का, लेकिन आपको क्या करना है उससे पहले कमेंट बॉक्स में जवाब देते हुए चलना है कि कौन से क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होता है। मतलब जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे, आपको कमेंट बॉक्स में जाके जवाब देना है, फिर हम आपको इसका सही आंसर बताएंगे। उससे क्या होगा, आपका टेस्ट भी हो जाएगा। आप लास्ट में बताइएगा कि 20 में से आपका कितना क्वेश्चन लास्ट तक में सही होता है, तो वो आप हमें अंतिम में बताइएगा। अभी देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो यहाँ पे चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन इसमें है भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा, महानदी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? कुछ लोग अब यहाँ पे बोलेंगे कि सिंधु नदी बरा है, कुछ लोग बोलेंगे ब्रह्मपुत्र नदी बरा है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि बोला जा रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है। वैसे जो है सिंधु नदी बरा है, लेकिन क्या है ना कि वो और भी जगह गया हुआ है, भारत के अलावा पाकिस्तान में भी है। तो यहाँ पे अगर भारत के बारे में पूछा जा रहा है तो भारत में वो जो है सिंधु नदी कम है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी नदी जो हो जाती है गंगा हो जाती है। दो का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगी। अभी यहाँ पे जैसे आपको किलोमीटर में अगर याद रखना है तो गंगा जो है भारत में जो है 2525 किलोमीटर में है। कितना? 2525 किलोमीटर। वही जो है महानदी की बात करें, महानदी जो है कितना किलोमीटर में है? 890 किलोमीटर में है। वही अगर हम नर्मदा की बात करें तो नर्मदा जो है कितना है? 1312 किलोमीटर। और वही अगर हम ब्रह्मपुत्र की बात करें तो 916 किलोमीटर है भारत में। तो यहाँ पे ये जो है डाटा हो गई जितना जितना किलोमीटर का है। अभी यहाँ पे फिलहाल भारत के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे गंगा नदी सबसे लंबी नदी हो जाएगी। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन इसमें है विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो यहाँ पे थर्ड का आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगी। और दोस्तों अगर अभी तक आप एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे सारा चीज़ आपको क्लास ट्वेल्थ से रिलेटेड मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या फिर आर्ट्स में जो भी आपका सब्जेक्ट है सभी कुछ का वहाँ पे वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स सारा चीज़ मिल जाएगा। क्वेश्चन आंसर सब कुछ वहाँ अपडेट किया गया है। अब यहाँ पे अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, और इसमें क्या है एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? ऑप्शन है यहाँ पे ए राजस्थान, बी में है गुजरात, सी में है महाराष्ट्र और डी में है कर्नाटक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? 4 का चलिए राइट आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुजरात जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात में कहाँ है? कच्छ में है। ये क्या चीज़, एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है कहाँ पे? गुजरात में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है दिल्ली और अमृतसर के मध्य महामार्ग को क्या कहते हैं? दिल्ली और अमृतसर के मध्य महामार्ग को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय महामार्ग 2, राष्ट्रीय महामार्ग 1, राष्ट्रीय महामार्ग 3, राष्ट्रीय महामार्ग 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर, राष्ट्रीय महामार्ग 1, मतलब NH1 जो है ये हो जाता है यहाँ पे। क्या चीज़, कहाँ से कहाँ है? दिल्ली से अमृतसर के बीच। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? यहाँ पे ऑप्शन ए में है 2000 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1998 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1988 और ऑप्शन डी है 1978। तो चलिए यहाँ पे आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी। देखिए इसके बारे में पहले समझते हैं। इंटरनेट की सेवा भारत में 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? विदेश संचार लिमिटेड द्वारा। और कब? 15 अगस्त 1995 को। आपको याद रखना है 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट सेवा जो है शुरू किया गया था। किसके द्वारा? विदेश संचार लिमिटेड द्वारा। और उसके बाद क्या हुआ, नवंबर 1998 को जो है
सरकार ने निजी ऑपरेटरों द्वारा इंटरनेट सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्र को खोला। मतलब उसके बाद जो है 3 साल बाद जो है सरकार बोला कि मतलब निजी व्यक्ति भी इसको यूज कर सके, मतलब जो लोग हैं आम जनता भी इसको उपयोग कर सके, उसके लिए जो है 1998 में खोला गया। तो यहाँ पे क्या आप लिखेंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि आम जनता के लिए 1998 में शुरू हुआ, तो ऑप्शन बी आपको टिक करना है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 7 नंबर, इसमें बोला जा रहा है भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है, भारत को 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन सा है? तो यहाँ पे चलिए आंसर देखते हैं। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग हो जाएगा। क्या चीज़? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग हो जाएगा। ये जो है कौन कौन से 4 महानगरों को जोड़ती है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, 4 महानगरों को जोड़ती है कौन? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। यहाँ पे 8-9 क्वेश्चन में बोला जा रहा है निम्नलिखित राज्यों में किस में हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? ऑप्शन में यहाँ पे ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ओडिशा में जो है हीराकुंड परियोजना अवस्थित है, अभी है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, और इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? 1911, 28, 23, 36। तो यहाँ पे आंसर 9 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1923 में जो है पहला जो है रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगी। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर, और इसमें बोला जा रहा है मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, इलाहाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर। 10 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाजीपुर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो इसको लाइक करिए, अगर आपको हेल्प मिला है तो इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी इसको देख सके, इससे मदद ले सके। अब यहाँ पे 11वां क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्रियाओं को विकसित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्रियाओं को विकसित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नियोजन, योजना, विकास या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 11 का चलिए राइट आंसर को देखते हैं, क्रियाओं को विकसित करने की प्रक्रिया को नियोजन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी। अब चलिए 12वां क्वेश्चन देखिए क्या है, सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है, सेवा क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित है? तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप या फिर इनमें से सभी? तो उपयुक्त सभी यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या चीज? उपयुक्त सभी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, सेवा क्षेत्र में ये तीनों क्रियाकलाप आते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, इसमें है मुंबई से सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था क्योंकि? मुंबई से सबसे पहला जो है सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या था, मुंबई एक पत्तन है जहाँ पे जहाज आते हैं, दूसरे देश जाते भी हैं, वहाँ से आयात निर्यात हो सकता है। यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट है, यहाँ पे आसपास में जो है कपास उत्पादन किया जाता है। मुंबई एक वित्तीय केंद्र था जिस वजह से जो है वहाँ पे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे आंसर 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और ये क्वेश्चन जो है पिछले साल भी पूछा जा चुका है। अब यहाँ पे 14वां क्वेश्चन में है, 15वां क्वेश्चन में, उदयपुर किस राज्य में है? उदयपुर किस राज्य में है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, उदयपुर राजस्थान में है, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, इसमें है लोहा और इस्पात कारखाना सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया? लोहा और इस्पात कारखाना सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया? मुंबई, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात। यहाँ पे 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी। अब अगला देखिए 16वां क्वेश्चन क्या है, सूती वस्त्र की राजधानी है दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई या फिर कोलकाता? सूती वस्त्र की राजधानी कहाँ है? दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता। तो यहाँ पे 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, इसमें है गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है कौन? गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो यहाँ पे 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। गन्ना उत्पादन में सर्वप्रथम जो है पहला स्थान पर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगी। फिर देखिए 18वां क्वेश्चन क्या है, बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। तो 18 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। दोस्तों अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए, क्योंकि और भी वीडियोस अभी आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के, जो कि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा जब भी हम यहाँ पे वीडियो डालेंगे, आपको एक मैसेज चला जाएगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा, उससे आप वीडियो को देख सकते हैं। अब आगे हम लोग यहाँ पे 19वां क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज
भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? मैग्नीज, अवरक, लोह अयस्क, टिन। तो यहाँ पे 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा जो है चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है? यहाँ पे ऑप्शन में है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, और उसके बाद है तमिलनाडु, पंजाब। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे 19 क्वेश्चन का राइट आंसर हम आपको दिए हैं, 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ये आप जल्दी से नीचे कमेंट करिए और आप ये काउंट कर लीजिएगा कि आपका ये सही हो गया। तो अब आप ये बताइए 20 में से आपका कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ, वो आप नीचे कमेंट करिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक करिए, साथ में दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो जाके अभी कर लीजिए, वहाँ पे आपको क्लास 12 से रिलेटेड सारा चीज़ मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।